आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 189वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगला एपिसोड हमारा 180वां एपिसोड होगा। आज हम खड़े हैं सिवनी शहर में सिंचाई विभाग की कॉलोनी। ये सिंचाई विभाग की कॉलोनी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिंचाई विभाग की कॉलोनी में सिवनी में एक दूरदर्शन का रिले सेंटर बना हुआ था। ये देखिए, इसका एक टावर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ऊपर टावर आपको दिख रहा होगा। और उस समय जो प्रसारण होता था दूरदर्शन के प्रसारण के लिए, यहाँ पर एक ये छतरी भी लगी हुई है। छतरी भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ किसी का एक वाहन खड़ा हुआ, किसका है वाहन हम नहीं कह सकते, हमें हमारी जानकारी नहीं है। ये आइए, यहाँ पर दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र ये लिखा हुआ है। दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। ये जो हम आपको आपकी जगह दिखा रहे हैं, यहाँ इसका शिलान्यास सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, यहाँ दिखाइए सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्र सिवनी का उद्घाटन, केंद्रीय संसदीय कार्य और प्रधानमंत्री सचिवालय की मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित। उस दौरान जब किया गया था तब विशिष्ट अतिथि होते थे मोतीलाल वोरा, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो हुआ करते थे, और अध्यक्षता सिवनी के सांसद गार्गी शंकर मिश्र के द्वारा की गई थी। और इसको जो उद्घाटन किया गया था 7 अप्रैल 1987 को यहाँ पर दूरदर्शन का केंद्र का आरंभ किया गया था। उसके उपरांत दूसरा हम आप पत्रिका दिखाते हैं, आकाशवाणी के 100 वाट FM प्रेक्षित सिवनी का शिलान्यास बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद बोध सिंह भगत के द्वारा, विधायक सिवनी दिनेश राय मुनमुन की अध्यक्षता में और कमल मस्कोले बरघाट विधायक की विशेष उपस्थिति में 3 अक्टूबर 2018 को कराया गया था। 3 अक्टूबर 2018 से अगर आप देखें तो 18 के बाद 19, 19 के बाद 20 और 20 के बाद 21 और अब 22 आ गया है। 4 वर्ष बीत गए हैं। 100 वाट का FM रिले सेंटर सिवनी में ये बनाने की बात आई थी। ये सिवनी में FM का रिले सेंटर, यहाँ आकाशवाणी केंद्र नहीं खुल रहा था। जो सिग्नल्स छिंदवाड़ा आकाशवाणी केंद्र के, नागपुर आकाशवाणी केंद्र के या बालाघाट आकाशवाणी केंद्र के जो भी सिग्नल आते हैं, उन सिग्नल्स को यहाँ पर बूस्ट करके, अभी अगर आप FM यहाँ सिवनी में सुनते होंगे तो सिवनी में FM आपको पर्याप्त तरीके से आपको FM कुछ जगहों पर सुनाई देता होगा, बाकी जगहों पर सुनाई नहीं देता होगा। और FM जो है वो यहाँ पर रिले सेंटर आकाशवाणी केंद्र में पर्याप्त जगह है, यहाँ आकाशवाणी केंद्र बन सकता है सिवनी में। अगर चाहें सिवनी के सांसद, जो भी सांसद हैं, 2 सांसद पहले 1 सांसद हुआ करते थे, जब गार्गी शंकर मिश्र का यहाँ पर नाम आपने देखा, परिसीमन और पुनरारक्षण के बाद सिवनी जिले में 5 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। इन 5 विधानसभा सीटों में से एक घनसौर विधानसभा सीट दिया गया और सिवनी जो लोकसभा केंद्र क्षेत्र था, लोकसभा क्षेत्र के विलोपन का प्रस्ताव नहीं था। उसके बाद ही सिवनी में लोकसभा क्षेत्र विलोपित की जाकर बालाघाट संसदीय क्षेत्र में सिवनी और बरघाट विधानसभा, उसके अलावा मंडला संसदीय क्षेत्र में घनसौर और लखनादौन 2 विधानसभाओं का समावेश कर दिया गया था। 4 सालों से यहाँ पर FM रिले सेंटर आरंभ नहीं हो पाया है। बोध सिंह भगत सांसद हुआ करते थे जब इसकी यहाँ आधारशिला यहाँ रखी गई थी। उसके बाद 2019 में चुनाव हुए, 2019 में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन यहाँ से सांसद चुने गए। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के सांसद चुने जाने में भी लगभग 3 साल का समय, 2019 में वे चुने गए थे, 2020, 2021 और 2022 के जो मई जून माह में वे भी 3 साल अपने पूरे कर लेंगे। पर इतने समय के बाद भी सिवनी में आकाशवाणी केंद्र तो छोड़िए, आकाशवाणी केंद्र की बात मत करिए, आकाशवाणी का जो रिले सेंटर है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको बूस्ट करके यहाँ पर फिर से अगर ये कहा जाए कि यहाँ रिले किया जाएगा, अर्थात नागपुर का जो आकाशवाणी केंद्र है वहाँ से जो भी सिग्नल्स रिले हो रहे हैं, छिंदवाड़ा यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर
बालाघाट इस दिशा में लगभग 90 किलोमीटर उन आकाशवाणी केंद्रों से, और इस दिशा में अगर जाएंगे तो नागपुर लगभग 125 किलोमीटर, इस दिशा में जबलपुर लगभग 145 किलोमीटर। इनके जो सिग्नल्स आ रहे होंगे, जो जबलपुर वाले सिग्नल्स धूमा और लखनऊ दोनों तक सुनाई देते होंगे, एफएम सुनाई देता होगा। नागपुर का एफएम संभवतः है मनसर के आगे तक सुनाई देता होगा। बालाघाट का जो एफएम है, बालाघाट में आकाशवाणी केंद्र है, जहाँ जहाँ हमने छिंदवाड़ा, बालाघाट, नागपुर और जबलपुर, यहाँ आकाशवाणी केंद्र है। और यहाँ आकाशवाणी केंद्र में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके सिग्नल, उसकी एक सीमा होती है, उन सिग्नल्स को यहाँ कैच कर, यहाँ सिग्नल्स को बूस्ट किया जाकर यहाँ से सिवनी जिले के लोगों को इसका लाभ दिलाने की कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। विडंबना ही कही जाएगी कि सिवनी के सांसदों के द्वारा इस बारे में, चूंकि केंद्र का मामला है और केंद्र के मामले में सांसद ही पूरी तरह वजनदारी से अपने संसदीय क्षेत्र की बात रख सकते हैं। सिवनी आकाशवाणी केंद्र अगर खुलता, ये तो रिले सेंटर के लिए, अभी तो ये लोगों का कहना है कि रिले सेंटर के लिए ही अभी हम संघर्ष जारी है। आकाशवाणी केंद्र कब खुलेगा नहीं कहा जा सकता। सिवनी में अगर आकाशवाणी केंद्र खुलता रिले सेंटर की बजाय, अगर यहाँ आकाशवाणी केंद्र खोला जाता, तो निश्चित तौर पर सिवनी के युवा, वे युवा जो रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं या फिर इस तरीके के कोई कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, कार्यक्रमों को बनाकर वे प्रसारित करना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ बहुत लाभ मिलने की उम्मीद मानी जा सकती थी। पर सिवनी में हमने आपको दिखाया 1987 में ये सिंचाई विभाग की ये इस जगह पर, यहाँ पर दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र खोला गया था। ये औद्योगिक क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ पीछे डाटा फैक्ट्री है, और यही इसको जब बनाया गया था उस समय दूरदर्शन के सिग्नल्स, पहले आपको याद होगा जो उम्रदराज हो रही पीढ़ी बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकती है कि सिवनी में जब शुरुआत में नागपुर का दूरदर्शन के प्रसारण आते थे और मराठी में लोग देखा करते थे, उस समय में लंबे लंबे एंटीना 20-20, 30-30, 40-40 फीट के एंटीना लगाया करते थे और बीच में एक बूस्टर लगाया जाता था। उसके बाद भी जो प्रसारण होता था, वो प्रसारण आप अभी भी आपको याद होगा कि उसमें मच्छर भिन भिन आते हुए दिखा करते थे। पर बाद में जब यहाँ पर ये अनुप्रसारण केंद्र खोला गया, तो वो उन सिग्नल को बूस्ट करके फिर से यूएस के द्वारा, यहाँ जो टावर दिख रहा है संभवतः इसी टावर के जरिए यहाँ पर रिले कराया जाता था और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का दूरदर्शन देखने को मिलता था उस समय में। पर आज भी सिवनी में आप आकाशवाणी के समाचार तो सुन सकते हैं, पर आप एफएम नहीं आपको सुनाई देता। और एफएम के लिए बार बार मांग किए जाने के बाद भी ऐसा कई बार प्रचारित किया गया कि एफएम के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि, कभी 50 करोड़ रुपए की, इस तरीके की जो ये कहा जाए श्रेय लेने की राजनीति लगातार ही होती रही। पर हम मार्च 2022 में यहाँ खड़े हुए हैं, हमने आपको बोर्ड भी दिखाया, एक पट्टिका दिखाई, 2018 की पट्टिका लगी हुई है, 2018 के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, और ये चूंकि ये सिवनी जिला मुख्यालय बालाघाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन हैं, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन 3 सालों में भी यहाँ एफएम सेंटर चालू नहीं करवा पाए हैं। ये सत्य है, सत्य से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। देश में 543 सांसद हैं लोकसभा के और हर सांसद को समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि अगर संभागीय मुख्यालय के आप सांसद हैं या कहीं महानगर के सांसद हैं तो आपको अधिकार जाता है। हर एक सांसद को समान अधिकार है और समान अधिकार होने के बाद भी सिवनी सदा से, जब तक यहाँ गार्गी शंकर मिश्र सांसद थे, सुश्री विमला वर्मा सिवनी से सांसद रही, दोनों के द्वारा सिवनी को जो भी उपलब्धियाँ दी गई बतौर सांसद, उसके बाद प्रहलाद पटेल गैर कांग्रेसी सांसद बने, प्रहलाद पटेल के उपरांत जितने भी सांसद अभी तक बने हैं सिवनी के केंद्र के मामले में, सिवनी की उपलब्धि लगभग शून्य ही मानी जा सकती है। सिवनी में सुश्री विमला वर्मा के द्वारा जो कुछ भी दिया गया और एक उपलब्धि, एक इकलौती उपलब्धि केंद्र की, जो 1983 में
1983 में सिवनी को मिली थी। अर्जुन सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अर्जुन सिंह जब केंद्र में संचार मंत्री बने तो उनके बहुत कट्टर समर्थक हुआ करते थे हरबंश सिंह, और हरबंश सिंह के द्वारा सिवनी में 1983 में जब सब्सक्राइबर डायलिंग सिस्टम एसटीडी बहुत कम शहरों में हुआ करती थी, सिवनी भाग्यशाली था कि सिवनी को एसटीडी की सूची में शामिल किया गया था और सिवनी में 1983 में एसटीडी आई थी। इस मामले में केंद्र सरकार के द्वारा दी गई उपलब्धि एक वो है। उसके बाद सुश्री विमला वर्मा जब मंत्री बनी केंद्र में, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बनी, उनके द्वारा सिवनी में केंद्रीय विद्यालय खुलवाया गया, और केंद्रीय विद्यालय सबसे पहले पुरानी जेल में लगा करता था, भवन बाद में बना। जैसे हमने अभी मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया, मेडिकल कॉलेज आप आरंभ करिए, मेडिकल कॉलेज का भवन बनाइए, पर मेडिकल कॉलेज सिवनी में ट्रामा केयर यूनिट जो 2012-13 में बिल्डिंग बनकर तैयार है, आज तक उसका उपयोग चालू नहीं हुआ। ऐसे एक दर्जन से ज़्यादा भवन है, उन भवनों में मेडिकल कॉलेज चालू कराया जा सकता है। बिल्डिंग बनती रहेगी, बिल्डिंग बनाने में कहीं कोई वो नहीं, पर बिल्डिंग जब बन के, छिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए, छिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज चालू हुआ। और इसके अलावा हम एक बात और बता दें, जब विधानसभा 2018 में विधानसभा चुनाव के पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणा की गई थी, और उसके बाद डॉक्टर टकी राजा जो छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के डीन थे, उन्हें सिवनी मेडिकल कॉलेज का प्रभार दिया गया। तो मेडिकल कॉलेज का प्रभार जब डॉक्टर टकी राजा, अब वो हमारे बीच में नहीं है, पर टकी राजा साहब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के डीन थे, आज वो मेडिकल कॉलेज कहाँ है, क्या मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, जाहिर नहीं। बहरहाल हम बात कर रहे थे आपको यहाँ आकाशवाणी के रिले सेंटर की, आकाशवाणी के रिले सेंटर की क्या स्थिति है हमने आपको दिखाया। आइए हम आपको ये पूरा यहाँ पर जो भी सेटअप है, सारा सेटअप हम आपको दिखाते हैं। ये दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र, दूरदर्शन रिले सेंटर, दूरदर्शन रिले सेंटर बना था, और 87 के उपरांत यहाँ पर 2018 में इसको ये कहा जाए कि आकाशवाणी के रिले सेंटर के लिए इसको तैयारी, ये देखिए यहाँ पर आधारशिला रखी गई थी, डीजी सेट यहाँ रखा हुआ, और वो देखिए वहाँ हम आपको दिखाते हैं, दिन के 3 बजे लाइट जल रही है, कोई देखने वाला नहीं है, बिजली की बर्बादी आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह की बिजली की बर्बादी हो रही है। दिन में 3 बजे लाइट जल रही है, कोई भी यहाँ नहीं है। ये जो एक आप यहाँ देख रहे हैं, अनुप्रसारण केंद्र को बंद कर दिया गया है, ये यहाँ पर दूरदर्शन का और इसमें जो भी इक्विपमेंट्स लगे थे, अब सिर्फ छतरी खाली यहाँ बाकी रह गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 179वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। 180वां एपिसोड लिमटी के लालटेन का लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो चुकी है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या चैनल पर जाकर 24 घंटे इसका लुत्फ उठा सकते हैं। लिमटी की लालटेन के 189वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। 180वां एपिसोड लिमटी के लालटेन का लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, जय हिंद।